मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आज पीड़िता गुहार लगाने महिला थाने आई और अब तक वो कटघर थाने और कई अधिकारियों के कार्यालयों में शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगा चुकी है। आपको बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के पीतल नगरी की रहने वाली महिला नेहा का कहना है कि उसका पति राकेश कटघर थाना क्षेत्र के ही इंदिरा कॉलोनी में रहता है। उसके पति और उसके घर वालों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और उसका दहेज का सामान भी सब रख लिया। इसी क्रम में पीड़िता का कहना है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है मगर उसका पति उसे नहीं रख रहा। पीड़िता ने कहा कि वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, क्या परेशानी है ये जो आप? ये परेशानी है मेरी, मैंने जहाँ भी जिस रिपोर्टें लिखवाई मेरी सारी रिपोर्टें दबा दी थी। मेला थाने गई, मेला थाने में सुनवाई नहीं हुई, सब गड़गड़ थाने में पैसे भर दिया और चौकी में पैसा भर दिया, मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। मेरे पति ने मुझे मारा था, मुझे मारपीट करी थी और मेरी दो नंद हैं उन्होंने मुझे मारा था। गीता पांडे है वो दलाल औरत है और उसको पैसा दिया गया था और उसने मेरी सुनवाई नहीं करी थी। वो पुलिस दलाल है इसलिए उसकी कार्रवाई करी जाए। वो बहुत ही ज़्यादा हर इंसान। वो कौन है, कहाँ रहती है? वो वहाँ रहती है, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉलोनी में रहती हैं और हमारा पति भी उधर ही तरफ रहता है इंदिरा कॉलोनी के अंदर। तो आज जो आप आई हैं कहाँ आई हैं? मेला थाने आई हूँ। क्या किस शिकायत देने? हाँ, शिकायत देने आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल गया कहीं भी। क्या करेंगे अगर इंसाफ ना मिला तो? मगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है।